हाय गाइस, मैं एक दिन बोला था वो रोटी बनाएगा, तो वो रोटी आज आप लोगों को दिखाना चाहता है वो रोटी। ठीक है, तो वो रोटी मैं बोला था ना एक दिन बनाएगा, कैसे बनाता है रोटी। तो वो पेस्ट बना लिया, देखो कढ़ाई सूटी का। इसमें दिया है चीनी, थोड़ा सा शक्कर, चीनी मतलब शक्कर, ठीक है, और थोड़ा नमक, नमक मतलब सॉल्ट, ठीक है, और दिया है 5-6 कांचा मिर्ची, अदरक कुची, थोड़ा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला है, मिक्स करना पड़ेगा, और थोड़ा नमक थोड़ा मिक्स कर लेना पड़ेगा ऐसे करके। और आटा को ऑयल नहीं लगाना है, ऑयल एकदम नहीं लगाना इसमें। आटा नमक थोड़ा सा डाल के, जैसे ठांसता है थोड़ा सा, इतना सा शक्कर डाल के और नमक डाल के थोड़ा मिक्स करके रेस्ट में रख दिया था। अभी रेस्ट हो गया तो मैं बन चलो बना लेता है। ठीक है, फिर आती हूँ। हे गाइस, मैं फिर आ गया। ये देखो, मैं ऑयल बिठा दिया, गरम हो गया ऑयल, ठीक है, तो गरम हो गया। तो मैं व्हाइट ऑयल नहीं डाला, मैं अभी डालना भूल गया, व्हाइट ऑयल बोतल में नहीं है, डालना पड़ेगा पैकेट काट के, इसलिए मैं सरसों का ऑयल डाला है। आप लोग सरसों का भी ऑयल डाल सकते हो, डाल के थोड़ा सा हींग डाल देना है कढ़ाई में, ठीक है, और फिर ये पेस्ट को डाल देना है। ओके, रुको, देखो मैं डाल दिया पेस्ट। अभी इसको सूखा सूखा करना है, ड्राई, ठीक है, इसको ऐसे हिलाते जाओ, गैस को थोड़ा सा लो कर दो, मीडियम में रखो, रखे ऐसे हिलाना पड़ेगा, हिलाते जाना पड़ेगा। इसको ट्राई करके फिर मैं वापस आता हूँ। हाय दोस्तों, ये देखो आटा जो ठांस के रखा था ना, उसको लेची बनाना है ऐसे करके, और ये देखो सूखा सूखा ड्राई ड्राई कर लिया, देखो ऐसे करना है, पानी को पूरा सूखा देना है, ठीक है, लीची बना रहा है। गाइस देखो, ऐसे करके पूर भर के ऐसे करके ले लेना है, थोड़ा आटा लेके लेके इसको बेलना है, बेल के उसको घी में आप लोग फ्राई कर सकते हो, ठीक है। और मेरा फ़ोन पे चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इधर ही रख देता हूँ, आप लोगों को बोल दिया, बस इतना सही करके बस उसको घी थोड़ा सा ऐसे डाल के थोड़ा फ्राई कर लेना है। ओके, चलो रखते हैं, ओके, बाय बाय।